हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 के पुरुषोत्तम दत्त शर्मा ने सीवरेज की समस्या को लेकर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। लिखित शिकायत में कहा है कि नगर परिषद द्वारा बनाए गए सीवरेज टैंक में केवल रसोई घरों से निकलने वाले पानी को ही डालना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन कुछ निजी व्यवसाय चलाने वालों ने इस सीवरेज टैंक में शौचालय का पानी भी डाल दिया है, जिसके चलते आए दिन गंदे पानी से टैंक भर जाता है और इसका गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिसके कारण यहां पर 24 घंटे बदबू फैली रहती है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाढ़ में आने वाले बाहरी लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरुषोत्तम दत्त शर्मा ने कहा कि जो सीवरेज बनाया गया है वह केवल रसोई घर के पानी की निकासी के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग इसमें शौचालय के पानी की निकासी के लिए भी इसी सीवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी फैली है। उन्होंने कहा कि वे कई बार इस बारे नगर परिषद में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिससे समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को इस बारे कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए और नोटिस जारी करनी चाहिए। करीब दो बार उनको जो ईओ साहब थे उनको लेटर दे चुका हूं और अपनी सारी प्रॉब्लम सीवरेज की जो इन्होंने गंदा पानी डाला हुआ है उसके बारे में बता चुका हूं, क्योंकि ये जो नाली है कमेटी वालों ने बनाई है ये सिर्फ रसोई के पानी के लिए बनाई है डालने के लिए, लेकिन माया होटल से लेके साई धर्मशाला वालों ने, ठाकर धर्मशाला वालों ने, ये दिमाग धर्मशाला वालों ने अपना लेटरिन का पानी डायरेक्ट डाला हुआ इसमें, जो कि अनऑथराइज है। तो ये चीज मैंने उनको बोला था कि आप इसको बंद करें, लेकिन इन्होंने नोटिस इनको नहीं इशू किए, तो ये कमेटी वालों का फॉल्ट है, उनको नोटिस इशू करने चाहिए। तो मैंने हवाला दिया कि गगरेट की तरह ये भी इनको भी नोटिस इशू किए गए, इन्होंने क्यों नहीं किए, गलती नहीं की कमेटी वालों की, तो इनको जल्दी ठीक करना चाहिए सारा कुछ। सीवरेज की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 8 के बंटू ने बताया कि ये समस्या करीब एक साल से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रास्ते में सीवरेज का गंदा पानी बहने के कारण रास्ते में गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ से आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। वार्ड नंबर 8 में अप्लाईमेंट दफ्तर के पास जो है जगह, इसमें सीवरेज की एक साल से समस्या चल रही है। हमने कई बार यू साहब को भी बोला, ठेकेदार को भी बोला, उसके बाद कोई सफाई वगैरह नहीं हुई। यहाँ पर बदबू बहुत आती है, इसमें से बैठ नहीं हो सकता यहाँ पर कोई भी, ऊपर भी है चार पांच घर हो रहे हैं, यहाँ पर बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। वार्ड 8 में इस महल में है 300-400-500 लोग।